हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो मैंने यहाँ सब रख दी है। ये मैंने लिए हैं 5 से 6 आलू जो मैंने बॉईल कर रखे हैं। ये सरसों कच्ची घनी तेल, एक प्याज ली है मैंने जो चॉप कर रखी है, 2 मीडियम साइज टमाटर हैं और इसमें 5 से 6 हरी मिर्च हैं ये मैंने चॉप कर रखी है, ये हरी मटर है, ये धनिया है, हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं नहीं भी। लाल मिर्च, नमक, ये देगी लाल मिर्च है जो कलर के लिए है, जीरा, हल्दी और धनिया पाउडर, और ये अमचूर पाउडर है, ये भी ऑप्शनल है, जिसको पसंद आए वो डाल सकता है। बाकी मुझे अच्छा लगता है डालना, क्योंकि इससे टेस्ट सब्जी का बहुत ही बेटर हो जाता है। आइए बनाते हैं आलू मटर की सब्जी। सबसे पहले गैस को ऑन करके गैस जला लीजिए और कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे, सरसों का तेल है, तेल हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। सरसों का तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1/4 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ब्राउन होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम जो चॉप की हुई प्याज थी ये डाल देंगे। हमने चॉप की हुई प्याज डाल दी है। अभी प्याज ब्राउन होने तक हम प्याज को इनको भूनेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, जैसे ये ब्राउन हो जाएंगी थोड़ा इनका गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर जो और जो कि हरी मिर्च हमने चॉप की हुई है वो उसकी प्योरी डाल देंगे इसमें, चॉप की हुई जो है। प्याज हमारी ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब जो हमने ये टमाटर की प्योरी थी, जो हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो बना रखा था वो डाल देंगे इसमें। जो टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, अब इसमें जो है 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो हम चला देंगे प्याज को और टमाटर को, इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अपने जो मसाले थे हमारे, एक एक करके वो मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये 1/4 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें आप। उसके बाद ये देगी लाल मिर्च जो कलर के लिए है, 1 टेबल स्पून, और ये अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इन सब मसालों को मिक्स कर दें, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो लाल जो देगी मिर्च डाली है, ये कलर इतना अच्छा आता है ना सब्जी का, इससे दिखने में ही आदमी का मन ललचा जाता है। जो मसाले डाले थे ना, हम इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे, इसके साथ भूनेंगे अच्छे से, जिससे कि इसका जो ऑयल है ये थोड़ा अलग हो जाए। जब मसाले भून जाते हैं तो तेल जो है अलग हो जाता है, जिससे सब्जी का टेस्ट जो है वो अलग ही आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। ये देखिए, अब ये हमारा ऑयल से टमाटर प्याज से अलग हो चुका है। अब हम इसमें जो ये हमारी हरी मटर थी ये डाल देंगे। अब हरी मटर और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, 1 से 2 मिनट के लिए हरी मटर को इसके साथ हम भून लेंगे, जिससे ये हरी मटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए, अब 1 से 2 मिनट ये हो चुके हैं और जो मटर है, हरी मटर हमारी, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। फिर पानी डालकर इसको और थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे। अभी हमारी 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब इसमें हम जो है, जो हमारे बॉईल किए आलू थे, ये बॉईल के लिए आलू डाल देंगे इसमें। बॉईल के लिए किए हुए आलू हमने डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। जो है मसाला हमारा बना है, इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसको हम मिला देंगे, इसको मिक्स करेंगे सब्जी को। और पानी आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है वो ज़्यादा पानी डाल सकता है, जिसको ग्रेवी कम पसंद है वो कम पानी डाल सकता है। अभी हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी अपने हिसाब से हमने पानी डाल लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, प्लेट ढक करके खुली ढक देंगे इसको। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आइए हम देख लेते हैं, 5 से 7 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। अब हम देखते हैं कि सब्जी कितनी पक गई है। ये देखिए सब्जी का कलर, देखिए आप क्या सब्जी का कलर आया है। अब इसको हम एक बार चला के देखते हैं। ये देखिए सब्जी देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, तो आप सोचिए कि खाने में कितना मजा आने वाला है। अभी थोड़ा सा और इसमें पकने में टाइम लगेगा। अभी इसको आप 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए आप इसको ढक कर दोबारा से पकने दें। ये 5 से 7 मिनट के लिए मैं ढकने के लिए इसको छोड़ देता हूँ। देखते हैं अब 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए, हमारी सब्जी तैयार है या नहीं। वाह क्या कलर आया है सब्जी का। हमारी सब्जी तैयार है, पक चुकी है, एक बार चला लेते हैं। हाँ बिल्कुल तैयार है जी। अब हम इसमें जो हमने हरा धनिया काट के रखा हुआ था ना, वो हरा धनिया डाल देते हैं हम इसमें। ये हरा धनिया डाल दिया है, अब हमारी सब्जी तैयार है, अब इसको खा सकते हैं। सब्जी हमारी रेडी है, अभी एक गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए सब्जी का कलर कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी सब्जी तैयार है। दोस्तों मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।